हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जयसुभाष खंड काव्य। ये आपके लखनऊ, सहारनपुर, फैजाबाद, बांदा, हरदोई, झांसी इन जिलों में पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न किस प्रकार पूछेगा उसकी बात कर लेते हैं। जयसुभाष खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कीजिए, आपसे प्रश्न पूछेगा। या आपसे प्रश्न इस प्रकार भी कर सकता है कि सुभाष चंद्र बोस की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इनके नायक जो जयसुभाष खंड काव्य के नायक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। इसको एग्जाम में आप किस प्रकार लिखेंगे, लिखने का सही तरीका क्या है जिससे आपको पूरे नंबर मिल सकें, क्योंकि खंड काव्य, निबंध इनमें और जीवन परिचय इनमें कहीं ना कहीं वो आधा नंबर काट लेते हैं। तो एक हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार आप पूरे नंबर लाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जल्दी से ज्वाइन हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे खंड काव्य। खंड काव्य कौन सा है, जयसुभाष। लेखक विनोद चंद्र पांडे, नायक सुभाष चंद्र बोस। इस प्रकार आप 3 लाइनों में इसका पूरा परिचय दे देंगे, ठीक है। खंड काव्य, लेखक, नायक, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इस प्रकार नहीं, आप नहीं लिखना चाहते इस प्रकार, तो लिख सकते हैं श्री विनोद चंद्र पांडे द्वारा रचित सुभाष चंद्र खंड काव्य के नायक सुभाष चंद्र बोस हैं, इनकी विशेषताएं निम्न हैं, ठीक है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, उन दो में से जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रकार लिखिएगा। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे आप स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक। सुभाष में स्वाभिमान और निर्भीकता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। या किसी भी तरह का अपने देश का अपमान नहीं सह सकते थे। छात्रावस्था में प्रोफेसर आर्टेन द्वारा भारतीयों की निंदा सुनकर इन्होंने आर्टेन के वो तमाचा जड़कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया था। इन्होंने ICS यानी कि IAS, अभी समय IAS कहते हैं, उस समय ICS कहते थे, का पद भी इसीलिए त्याग दिया था कि अंग्रेजों की नौकरी करना इनके स्वाभिमान के अनुकूल नहीं था। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे कि पूरे नंबर कैसे मिलेंगे, तो ये लाइनें हैं, ये लाइनें आपको पूरे नंबर दिलाएंगी। ये लाइनें आप ज़रूर पढ़िएगा, इन लाइनों को लिखिएगा और एक जो एग्ज़ामिनर होगा उस पर आपका अलग इम्प्रेशन पड़ेगा। तो इन लाइनें किस प्रकार हैं, स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देशा अपमान का बदला उत्तम कार्य किया था। स्वाभिमान का परिचय सबको हो निर्भीक दिया था, ले देशा अपमान का बदला उत्तम कार्य किया था। ये लाइनें शायद आपको भी अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप महान देशभक्त और स्वतंत्रता प्रेमी। सुभाष देश की स्वाधीनता के अद्वितीय आराधक थे। उन्होंने गांधी जी और देश बंधु चित्तरंजन दास के आह्वान पर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपनी युवावस्था समर्पित कर दी। कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्त युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। फिर से रिपीट कर देते हैं कि सुभाष ने राष्ट्र प्रेम हित अर्पित मस्त जवानी, मुक्ति युद्ध के बने शीघ्र ही वे महान सेनानी। इन लाइनों को आप जरूर याद कर लीजिएगा, 5-6 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगी। उनके हृदय में आज़ादी की ज्वाला निरंतर जलती रही। उन अनेक बार जेल यात्राएं सहने पर भी इन्होंने देश सेवा का व्रत नहीं छोड़ा। थर्ड हेडिंग डालेंगे आप प्रभावशाली वक्ता। सुभाष चंद्र बोस के भाषणों को जो भी सुनता था वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। वह अत्यंत ओजस्वी वक्ता थे। उनका भाषण ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे शब्दों से आरंभ होता था। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जैसे मैंने ये भाषण लिखा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है। तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे शब्दों से आरंभ होता था। श्रोताओं को रोमांचित करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी। कवि ने उनकी प्रशंसा इस प्रकार की है, लगी गूंजने बंग भूमि में उनकी प्रेरक वाणी, मंत्रमुग्ध होते थे सुनकर उसको सारे प्राणी। उसके बाद आप फोर्थ हेडिंग डालेंगे जनता के प्रिय नेता। सुभाष सच्चे अर्थों में जनता के प्रिय नेता थे। अपने महान गुणों एवं अनुपम देशभक्ति के कारण वे करोड़ों देशवासियों के श्रद्धा पात्र बन गए थे। इनकी लोकप्रियता का प्रमाण दिया है कि इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्पित पट्टाम सीतारमैया को चुनाव में पराजित कर दिया था, जिसके कारण यह जनता के प्रिय नेता बन गए थे। उसके बाद आप 5वीं हेडिंग डालेंगे महान साहित्य सेवी। श्री सुभाष ने अत्यधिक विपरीत परिस्थितियों में द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखकर अपनी साहित्यिक प्रतिभा का परिचय दिया था। इनके भाषण भी साहित्य की अमूल्य निधि थे। लिख इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्यात इन्होंने पाई, प्रकट किए इसमें सुभाष ने भाव प्रेरणा दाई।
एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं इसको। लिक इंडियन स्ट्रगल पुस्तक ख्यात उन्होंने पाई, प्रकट किए इसमें सुभाष ने भाव प्रेरणा दाई। उसके बाद आप लास्ट हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता के चरमदाता। इसमें आप 5 से 6 हेडिंग लिखिएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान कर बैठेंगे और टाइम निबंध लिखने के लिए आपके पास नहीं बचेगा। तो लास्ट हेडिंग डालेंगे स्वतंत्रता के जन्मदाता। भारतवर्ष को स्वतंत्र कराने में सुभाष चंद्र बोस का योगदान अतुल्य है। अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र युद्ध छेड़कर उन्होंने उन्हें भयक्रांत कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए विवश हो गए थे। उसके बाद लाइनें लिखेंगे आप, मुक्ति हुई उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता, दिन 15 अगस्त का अब भी याद उनकी दिलाता। मुक्ति हुई उनके प्रयत्न से अपनी भारत माता, दिन 15 अगस्त का अब भी उनकी याद दिलाता। तो अब वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप क्लास 10th या 12th के स्टूडेंट हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्लास 10th और 12th की हिंदी पढ़ाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा।